कानपुर हिंसा के बाद योगी ने किया सबसे बड़ा फैसला, अवैध धार्मिक स्थलों को अब बख्शा नहीं जाएगा, यानी अब बुलडोजर के तहत उन पर भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात कि नजीर पेश करेंगे योगी 15 दिन के अंदर, अब यह चिन्हित होगा कि कहां पर है ये अवैध धार्मिक स्थल। वह रुमाल वाला आज कैमरे में कैद हो ही गया, दिखाएंगे इस खबर में आपको आखिर रुमाल वाले ने कैसे भड़काने की पूरी कोशिश की। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नमाज के बाद की गई हिंसा के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त हो गए। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर बनाए गए अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है, यानी अब नजीर पेश की जाएगी और सिर्फ 15 दिनों में यह रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद अब यह लग रहा है कि योगी छोड़ने वाले कतई नहीं है। वहीं योगी ने ट्वीट कर भी बताया कि सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा जरा आप खुद सुनिए। प्रदेश में कायम अमन चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। जनपद कानपुर नगर की घटना से संबंधित उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता होने पर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। देखा आपने, तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं हिंसा में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। इस मामले में जांच भी हो रही है, कई एंगल से वो जांच हो रही है। कानपुर की हिंसा में अब तक 3 FIR दर्ज की गई है और 36 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं बाकी लोगों की पहचान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और अब आप ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में साफ तौर पर ये लग रहा है कि यहां पर पहले से पूरी तैयारी की गई थी। 5 तारीख का पोस्टर है जिसमें तैयारी की गई थी। जो नीचे नंबर थे हमने उस पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी और नंबर ये वही है जो मास्टरमाइंड है, उसी मास्टरमाइंड का मोबाइल नंबर है जो इस वक्त पूरी तरह से स्विच ऑफ है और पुलिस ने इसे धर भी दबोचा है। यानी अब तैयारी जबरदस्त हो गई है और मौलाना को भी करंट आ गया है, यानी अब वो इस पूरी की पूरी कार्रवाई के बाद जैसे जैसे एक्शन हो रहा है अब बात सरकार की करने लगे। उनको अपनी औकात समझ आ रही है, वो समझ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो कुछ हुआ जब मौलाना मौलवी चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन वहां पर कोशिश नहीं की गई बल्कि भड़काने की कोशिश की गई है। और अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि PFI को बैन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। आप भी सुनिए जरा। हमारे शहर कानपुर में आज जो भी घटना हुई विरोध प्रदर्शन को लेकर के, ये बहुत शर्मनाक है। दिल को मजबूर करने वाली ऐसी घटनाएं जिसे सभ्य समाज के सभी लोगों को जिसकी निंदा करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं और तमाम अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज की जो घटना हुई है इसको हल्के में न लेते हुए इसको, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को उकसा करके PFI के तस्लीम रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए PFI द्वारा लोगों को आमंत्रित करना और शुक्रवार का दिन चुनना कि जिस दिन मुस्लिम समाज मस्जिदों में ज्यादा तादाद में जाता है, और खास तौर से उस शहर को चुनना कि जिस शहर में, जिस जिले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हों। तो ये सारी चीजों का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। साथ में जैसा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन बहुत पहले से आगाह करता चला आया है कि कानपुर में PFI का कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है उस गैंग के साथ उसके इसके संबंधों की जांच की जा रही है। तो मेरी तमाम आला अफसरान से और उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पुरखलूस गुजारिश है कि इस घटना को की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और इसमें PFI की संलिप्तता यदि मिलती है तो PFI को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के DGP
और राज्य के मुख्य सचिव के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव को सड़कों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विशेष निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने 15 दिनों के भीतर ऐसे सभी धार्मिक स्थलों की पहचान करने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाने को कहा है। आपको अब और कुछ तस्वीरें देखने चाहिए कैसे वहां पर एक के बाद एक लोगों को भड़का रही थी। नमाज पढ़ने के बाद कैसे लोग बाहर जब निकले पत्थरबाजी कर रहे थे और एक रुमाल वाला शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हो गया। आप देखिए सड़क के सौर खड़ा है और कैसे रुमाल को हिलाकर वो लोगों को अपनी ओर बुला रहा है। अब इस रुमाल वाले का भी खेल हो गया है, इसे भी ढूंढा जा रहा है, ये छिपा छिपा घूम रहा है और पुलिस साए की तरह इन लोगों का पीछा कर रही है जो लोगों ने वहां पर हिंसा को और बढ़ावा दिया है। और इसीलिए अब योगी ने भी ठान लिया कि जो अवैध धार्मिक स्थल है अब उनको भी चिन्हित किया जाए, जल्दी उन पर कार्रवाई भी होगी लेकिन 15 दिनों के अंदर वो चिन्हित किए जाएंगे और एक्शन और भी तेजी से होगा। यानी कि मौलाना साहब तो अब कह रहे हैं कि पीएफआई का अगर एंगल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब फड़काया जा रहा था, जब पोस्टरबाजी हो रही थी, जब बंद के नाम पर इस तरह का खेल खेलने की कोशिश थी, तब ये मौलाना मौलवी आखिर कहां थे? ये सवाल लगातार उठ रहा है। आप अपनी राय दीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी। नमस्कार।